हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक फॉर अस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि आप अपने रेडमी नोट 7 में कैसे कोरबस ओएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पिछले वाला वीडियो में मेरा कुछ फ्रेंड मुझे कमेंट किया था कि भाई कोरबस ओएस की इंस्टॉलेशन की वीडियो बना दो, तो ये रहा वो वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि रेडमी नोट 7 में कोरबस ओएस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप पिक्सल प्लस यूआई इंस्टॉल करना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना। तो पहले फाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसके लिए कुछ ट्यूटोरियल है, ये फॉलो कर लो आप। तो हम फाइल को डाउनलोड करेंगे हमारा ऑफिशियल वेबसाइट techforus.in में। तो गूगल में सर्च करना techforus.in, तो आप वेबसाइट में चले जाना, वहाँ पे कस्टम रोम में क्लिक करना, फिर यहाँ पे आप अपना कस्टम रोम सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि आज हम करने वाले हैं कोरबस ओएस। तो मैं कोरबस ओएस में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अपना डिवाइस सिलेक्ट कर लेना। तो हमारा डिवाइस है Xiaomi, तो यहाँ पे Xiaomi के क्लिक कर लेना, तो वहाँ पे मॉडल लिस्ट चलाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, बहुत ईजी है। तो फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको एक पेन ड्राइव चाहिए और नहीं तो एक एसडी कार्ड यानी कि मेमोरी कार्ड। तो इन दोनों में से कुछ एक ही चाहिए आपको, जो जुगाड़ हो सकता है आप वो जुगाड़ कर लीजिए। तो उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे रेडमी नोट 7 में कोरबस ओएस को। तो चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें कस्टम रिकवरी मोड इंस्टॉल करना होगा, तो उसके लिए आई बटन पर लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके वीडियो जरूर देख लेना। अब हम करेंगे अपना रोम को फ्लैश। तो उसके लिए हमें फ़ोन को रिकवरी मोड में बूट करना होगा। तो हमने इंस्टॉल किया है ऑरेंज सॉक्स रिकवरी मोड, तो उसके लिए हम फ़ोन को पहले पावर ऑफ करेंगे, उसके बाद पावर की प्लस भूमि आपकी एक साथ प्रेस करेंगे कुछ देर के लिए, तो ये हमें रिकवरी मोड में लेकर जाएगा। ये बूट हो रहा है रिकवरी मोड में। तो अगर आपका पेन ड्राइव है तो अभी इंसर्ट कर दीजिए, और एसडी कार्ड है तो पहले आपको इंसर्ट करना होगा। तो हम दो फाइल को फ्लैश करेंगे, एक कोरबस ओएस जो कि कस्टम रोम है और दूसरा है जीएप्स। तो इसमें जीएप्स हमको चाहिए क्योंकि इसके साथ जीएप्स इंक्लूड नहीं है। अगर आप किसी भी गूगल सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि जीमेल, प्ले स्टोर, तो उसके लिए जीएप्स इंस्टॉल करना होगा। तो मैंने जो डाउनलोड पेज दिया है वहाँ से आप क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, बहुत ही आसान स्टेप है। तो हमने रिकवरी मोड में फ़ोन को बूट कर लिया है, उसके बाद हम फोन को करेंगे फॉर्मेट। तो फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिलीट, तो यहाँ पे हम करेंगे फॉर्मेट, यहाँ पर टाइप करना गया YES, उसके बाद एंटर। तो फ़ोन को फॉर्मेट करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर हम फ़ोन को फॉर्मेट नहीं करते हैं तो फ़ोन बूट लूप में अटक जाएगा, फ़ोन बूट नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए फॉर्मेट करना ज़रूरी है। तो देख सकते हैं हमारा फोन फॉर्मेट हो रहा है। तो फ़ोन को फॉर्मेट करने के बाद हम अपना रोम को फ्लैश करेंगे। तो देख सकते हैं फ़ोन फॉर्मेट हो चुका है। यहाँ पर करते हैं बैक और जाते हैं फाइल में। यहाँ पे हमने जो पेन ड्राइव यूज़ किया था इसके लिए हम USB OTG यूज़ कर रहे हैं। अगर आप SD कार्ड है तो माइक्रो SD कार्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यूज़ कर रहे हैं USB OTG। तो यहाँ से अपना रोम को चूज़ कर लेना, मेरा रोम यहाँ पर, और स्वाइप टू फ्लैश। ओके, तो ये फ्लैश स्टार्ट होने लगा, फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है, तो कुछ टाइम लगेगा यहाँ पे। वीडियो का मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को शॉर्ट करने के लिए। अगर आप किसी भी फ़ोन का, जैसे कि रेडमी हुआ या फिर वीवो, ओप्पो, नोकिया, सैमसंग, किसी भी डिवाइस हो, आप हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, तो उस फ़ोन को उस मॉडल का ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, कस्टम रोम का, या फिर फ़ोन को रूट कैसे करें, या फिर कस्टम रोम इंस्टॉल कैसे करें, कैसे अपना गेमिंग एक्सपीरियंस हाई करें। तो इन सभी के लिए ज़रूर कमेंट कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेट मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। जैसे देख सकते हैं फ्लैशिंग ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में है, अभी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा फ़ोन फ्लैश हो चुका है सक्सेसफुली। हम अभी करते हैं वाइप केस, तो केस डाटा हमको वाइप करना होगा। ओके, वाइप केस। ओके, अब हम करते हैं फ़ोन को रिबूट। तो हम अपने पेन ड्राइव को रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद फ़ोन को करेंगे यहाँ पे रिबूट। ओके, फ़ोन रिबूट होने लगा है। तो हमारा
सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है कोरबस ओएस, देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है अभी, कुछ टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है, आपको तो पता ही होगा। ये बूट आ रहा है, हमारा बूट एनिमेशन जो कि बहुत ही अच्छा है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली मुझे तो कोरबस ओएस का बूट एनिमेशन बहुत ही अच्छा लगता है, कोरबस ओएस, नुसंतरा और डॉट ओएस, मुझे डॉट ओएस मेरा फेवरेट है बूट एनिमेशन। नेक्स्ट वीडियो हम डॉट ओएस के ऊपर ही बना लेते हैं फिर, तो जरूर चैनल के साथ सब्सक्राइब करके यहाँ पर हमारे साथ ही रहना। और मेरा हिंदी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बेसिकली मैं बंगाली से बिलोंग करता हूँ इसलिए, वेस्ट बंगाल। तो ये हमारा फ़ोन हो चुका है बूट सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं फ़ोन का फीचर्स। तो हम छोटा सा इंट्रो लेकर वीडियो को ख़त्म कर देंगे इस रोम को इंट्रोडक्शन देकर। तो ये रहा हमारा मेनू, ये कुछ ही ऐप्स है, तो मैंने जी एप से इंस्टॉल किया था, वो वीडियो में नहीं हो पाया, तो आप जी एप जरूर इंस्टॉल कर लेना अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। तो पहले हम डिस्प्ले स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको वीडियो में दिखाते हैं, तो अच्छा हो। तो हम अपना फ़ोन में आ चुका है, ये है हमारा कोरबस ओएस, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। तो हम सेटिंग्स में जाते हैं और ये हैं सेटिंग्स, आपको आप अबाउट फ़ोन में जाकर दिखाता हूँ कि क्या है। एंड्रॉयड वर्सन 11 के ऊपर है, ये देख सकते हैं हमारा नेटवर्क इंटरनेट, अबाउट फ़ोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन एंड्रॉयड 11 के ऊपर है कोरबस ओएस। इसका जो कर्नल है वो स्टॉर्म ब्रेकर कर्नल है, वो थोर का स्टॉर्म ब्रेकर नहीं, ये कर्नल वाला स्टॉर्म ब्रेकर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, मुझे कोरबस ओएस का थीम्स बहुत ही अच्छा लगता है, सॉरी वॉलपेपर्स, तो आपको वॉलपेपर्स दिखाता हूँ, ये रहा वॉलपेपर्स। तो देखिए एक से एक बरकर वॉलपेपर है यहाँ पे, तो मेरा फेवरेट जो है वो नीचे, थोड़ा नीचे और नीचे और नीचे, ए वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लिया इसको। तो यही कुछ था वीडियो में और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। मिलते हैं आगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ एक बात, अगर आप चैनल के लिए कुछ सजेशन है तो आप ज़रूर बता दो, क्योंकि बेसिकली भाई मैं बिगिनर्स हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता यूट्यूबिंग के बारे में, वीडियो कैसे बनाते हैं उसके बारे में। हाँ नॉलेज है, मिनिमल नॉलेज है, तो आप रिकमेंड कीजिए, मैं उसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वन मैन आर्मी हूँ मैं भाई, आपका सपोर्ट जरूर चाहिए। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।